मैं हूं अरविंद सागर, आप देख रहे हैं जलवा टाइम्स, सच के साथ एक कदम। आज भारतीय संविधान शिल्पी, आधुनिक भारत जनक, सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धांजलि एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संविधान की रचना हो गई, जब संविधान बनाया गया उससे पहले भीमराव अंबेडकर जी ने उनके मृत्यु के लिए मार्ग ढूंढ रहे थे और एक बहुत अध्ययन किया कि किस प्रकार से हम इनको इस शोषण से मुक्त कराया जा सकता है। तो उन्होंने जब देश आज़ाद हुआ तो एक कमेटी बनी संविधान बनाने के लिए, उसमें ये चेयरमैन रहे और इन्होंने बड़ी खूबी से
दलितों के उत्थान के लिए, गरीब कमजोर तबके के लिए और अन्य जातियों के लिए उन्होंने एक आरक्षण लागू किया कि जिसके लिए लोग समाज में अन्य वर्गों की तरीके से ये ऊपर उठें, अपने पैरों पे खड़े हों और शोषण से मुक्त हों। तो इन्हीं बातों से मैं एक इतने महान योद्धा रहे हैं, मैं योद्धा कहूँगा कि जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई इस वर्ग के लिए लड़ी और हमें एक मार्ग दिखाया कि हम लोगों को भी अपने इस समाज को आगे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपे गए हैं। तो हमारा सब साथियों का ये फर्ज होता है कि हम उनके मार्ग पर चलकर शोषण मुक्त समाज का स्थापना करें। आदरणीय अध्यक्ष मंडल और साथियों, बहनों और भाइयों, आज हम अम्बेडकर जी का बड़े नवान जो सब मना रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आखिर क्यों हम उनको याद करें, ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी, वो क्या हालात थे या वो क्या हालात हैं कि हम अम्बेडकर साहब को याद करें। साथियों, आज अम्बेडकर को याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, आज उस संविधान पे हमले हो रहे हैं। आप पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं कि उसकी जो संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं उन पे हमले हो रहे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, कोई इस्लामिक राष्ट्र की मांग कर रहा है, हिंदू तो हिंदुस्तानी राष्ट्र की कोई नहीं मांग कर रहा, कहीं जातिवाद का झगड़ा है, कहीं सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, पूरे भारत की तो बात ही नहीं हो रही है। अंबेडकर का क्या सपना था? अंबेडकर का सपना था समता हो हमारे समाज में, समानता हो हमारे समाज में, प्रजातंत्र हो, गणतंत्र हो, समाजवाद हो, धर्मनिरपेक्षता हो, भाईचारा हो, असमानता जो है सामाजिक, जो जो असमानता है हमारे समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो समांतर असमानता खत्म होनी चाहिए। और वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, जब उनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा पढ़ा हुआ आदमी तो उस समय कोई था ही नहीं। मतलब तो आपको चंबा होगा कि 2-3 डिग्री PhD, DSC, MSc, MA, DSC, बार एट लो, कितनी सारी डिग्रियां उनपे थी। अभी भी लगता है कि कोई आदमी शायद इतना पढ़ा लिखा ना हो आज तक भी। और यही कारण था कि उसकी वजह से उनको संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने ये संविधान लिखा। तो वो अंबेडकर यूं नहीं बने कि अंबेडकर सिर्फ नाम के लिए, उन्होंने सामाजिक बहिष्कार देखा था, उन्होंने अस्पृश्यता अछूतपन देखा था, लोग उनके बाल नहीं काटते थे, उनको गाड़ी में नहीं बिठाते थे, उनको तांगे में नहीं बिठाते थे, उनको कुएं में नहीं चढ़ने देते थे, उनको तालाब से पानी नहीं पीने देते थे, ये सब उन्होंने देखा। और ये नहीं देखा, उनका एक बहुत बड़ा जो तबका है, जो SC ST है, OBC है, उसको लोग नहीं, उसके साथ यही अछूत का अछूत बना था कि अब देखिए कि हिंदू समाज की जो हिंदुत्ववादी समाज है हमारा, उसकी जो चालाकी है कि सारा काम तो वही लोग करेंगे, धान उगाएंगे, फसल उगाएंगे, कपड़ा बुनेंगे, मकान बनाएंगे, गृह निर्माण करेंगे, सारा काम तो वो करेंगे, लेकिन धन नहीं मांगेंगे, विद्या नहीं मांगेंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, सारी जो उनपे जो प्रतिबंध लगा रखे थे। अम्बेडकर ने देखा ये क्या हो रहा है, मेरे साथ तो हो रहा है, इनके तो सबके साथ हो रहा है, अकेला मैं नहीं हूँ। तो इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया और एक भारतीय संविधान बनाया जिसमें संप्रभुता की बात करी कि हमारा देश संप्रभु होना चाहिए, हमारी जनता संप्रभु होनी चाहिए। सरे राहत खत्म करके तेरा दावाए रिहा, तेरी जेब में शायद तेरे मन से दो
चला जाता है, पर ये एक सिलसिला है, परंपरा है इस बात की कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो हमेशा याद रहे। देर से और सवेर से जाना सबको है, व्यक्ति को सबको जाना है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा है। और आज हम जिस महापुरुष की परिनिर्वाण दिवस पर यह इकट्ठा है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनका व्यक्तित्व हमेशा जिंदा है। क्यों जिंदा रहेगा, आप उन्हीं को क्यों याद कर रहे हैं? बहुत सारे लोग गुजरे, लाखों लाखों की तादाद देशभक्त को आजाद कराने में लोगों ने फांसी के बंधे चूमे, लेकिन सबका इतिहास नहीं है। जो लीड करता है, जो लीडर होता है, उसे हमेशा याद रखता है। और एक बात मेरे दिमाग में अब भी आती है कि अगर मैं सुबह से भूखा हूँ और शाम तक भूखा रहता हूँ तो मुझे एहसास होगा इस बात का कि भूख क्या चीज है। मैंने सुबह भी खाना खाया, दोपहर भी खाना खाया, जब मर्जी आई फल खाया, जब जी आई चाय पिया और आराम से सो गया, और मैं फिर भाषण होकर के इस बात से रूके पर भूखा आदमी जो होता है उसमें बड़ा परेशानी होती है, बड़ा कष्ट होता है, शायद उसके मुकाबले जो भूख भोगी होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बचपन से लेकर के और जवानी तक ये सब झेला था, और उस झेलने के नाते ही उनकी जो अंदर से उद्गार निकले, उन्होंने जो सोचा और जो समझा इस बात के लिए कि किस क्लास के लिए किस चीज की आवश्यकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन रचने का काम भी उन्होंने किया जब मुल्क आजाद हो रहा था या आजादी से पहले की बात की। ये हिंदुस्तान में हमारा जो भारत है, इसमें ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान, अपने घरों के अंदर अपने अपने हिसाब से अपना मजहब मानते हैं, लेकिन भारत के नाम पे सब भारतीय है और मुल्क को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ो। उसी के तहत जो हालात देखे जा रहे थे, जो परेशानियां नजर आ रही थी, जो समाज में कुरीतियां थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए